Hello everyone, I am Sagar Sen and I welcome all my students, friends and viewers. हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक, और पिछले एक वीडियो में हमने जाना वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं. आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के रूल्स. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक. किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें बेसिकली फोर स्टेप्स को फॉलो करना होता है. वो फोर स्टेप्स क्या क्या होती हैं, आइए जानते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है सेंटेंस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना. ये है होता है हमारा पहला स्टेप. ठीक है, एग्जांपल दे लेते हैं. जैसे कि आई एम टीचिंग यू. ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आई और ऑब्जेक्ट क्या है यू. तो पहला स्टेप क्या है, इस ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के स्थान पे रखना. ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप. इसमें जो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि कोई नाम दे दिया, वो तो एज इट इज़ आ जाते हैं, लेकिन प्रोनाउंस की फॉर्म्स को हमें चेंज करना होता है. जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है मी, तो हमें उसका सब्जेक्ट के स्थान पर आई कर देना है. मान लीजिए दिया हुआ है अस, तो हमें उसका वी कर देना है. अगर यू दिया हुआ हो तो उसकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम ही रहती है, इसलिए यू ही रहेगा. अगर दिया हुआ है हिम तो उसका हो जाएगा ही. दिया हुआ हो हर तो उसका हो जाएगा शी. अगर दिया हुआ हो देम तो उसका हो जाएगा दे. और अगर दिया हुआ हो इट तो उसकी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म सेम ही रहती है, हो जाएगा इट. तो प्रोनाउंस की फॉर्म्स को चेंज करके हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना है. ये हो गई सब्जेक्ट फॉर्म और ये हो गई ऑब्जेक्ट फॉर्म, करेक्ट. अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे. सेकेंड स्टेप होती है हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना. हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना या जोड़ना. ठीक है, इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आगे जानने वाले हैं. अब आ जाते हैं पहले थर्ड स्टेप पे. हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो उसके बाद में अगली स्टेप आ जाती है मेन वर्ब की. और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है. कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. तो थर्ड स्टेप हो जाती है मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म को लगाना. पैसिव वॉइस कभी भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता. ठीक है, सो थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, ऐसे याद कर लीजिए. फोर्थ और हमारी आखिरी स्टेप पहली स्टेप की एकदम अपोजिट उल्टी. इसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख दीजिए. तो चौथी स्टेप हो जाती है सब्जेक्ट को उचित प्रीपोजिशन लगा के. देखिए जनरली बच्चे ये याद करते हैं कि बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन कभी कभी वर्ब के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन अलग भी हो जाती है. इसलिए रूल क्या याद करेंगे, रूल हमेशा सही याद करना चाहिए. तो हम लिखेंगे उचित प्रीपोजिशन लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना. ठीक है, बस यही चार स्टेप्स होती हैं जिनको फॉलो करना होता है, और किसी भी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. एक बार जल्दी से दोबारा इनको समझ लेते हैं. पहली स्टेप क्या, सेंटेंस में दिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना. सेकेंड स्टेप होती है हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना. थर्ड स्टेप होती है थर्ड फॉर्म रखना. और फोर्थ स्टेप होती है फर्स्ट की एकदम अपोजिट, सब्जेक्ट को सही प्रीपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना. ठीक है, अब इनमें से ये जो तीन स्टेप्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप याद होगी. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और लास्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, और थर्ड स्टेप हमेशा थर्ड फॉर्म. तो अगर हम इस सेकेंड स्टेप को, यानी हेल्पिंग वर्ब वाली
इस स्टेप को अच्छे से सीख लें और समझ लें। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टॉपिक ये समझिए कि तैयार हो गया, उसके बाद कोई चीज़ बचती ही नहीं है। इसलिए अब हम इसी जो सेकंड स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से सीख लें ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। इसलिए अब हम सीखने वाले हैं इस हेल्पिंग वर्ब को ऐड करने के रूल को। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम टेबल बना के और हेल्पिंग वर्ब को ऐड करने का रूल सीखते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी होती है। कैसे, देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी हुई है, फिफ्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, तो उसको मैं फिफ्थ फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म दी हुई हो एक्टिव वॉइस में तो आपको पैसिव वॉइस में इज आर एम ऐड करना है। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश, पहला स्टेप, सारे रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, इंग्लिश। सेकेंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो कौन सी फॉर्म दी हुई है, टीच फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, इज आर एम में से कोई यूज कर लेंगे। इंग्लिश के लिए क्या आएगा, इज, सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप, प्रीपोजिशन लगा के। तो जब तक दूसरी प्रीपोजिशंस का रूल नहीं बता दिया जाता तब तक आप बाई लगाते रहिए, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मी, हो गया। नेक्स्ट, मान लीजिए दिया हुआ हो डू नॉट या डज नॉट, तो क्या करना है, इज आर एम लगा के नॉट लगा दीजिएगा, दैट्स ऑल। यानी जैसे कि बुक्स, पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, तो बुक्स का बुक्स। सेकेंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, तो यहाँ पर दिया हुआ है डजंट, तो हम क्या करेंगे, इज आर एम प्लस नॉट लगा देंगे। बुक्स के लिए क्या आएगा, इज आर एम में से आर, नॉट है तो नॉट। उसके बाद में थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीडी होती है। और लास्ट एंड फाइनल शी का क्या हो जाएगा, बाई हर। तो ये कौन से टेंस का एक्टिव पैसिव हो गया, ये अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो गया। उसके बाद जैसे कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो या डिड नॉट दिया हुआ हो तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, सेकंड फॉर्म हो तब तो हमें वाज वर का यूज़ कर लेना है, और अगर डिड नॉट हो तो वाज वर प्लस नॉट यूज़ कर लेना है। जैसे ही वॉन द मैच, चेंज करते हैं, पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, द मैच। सेकेंड स्टेप, हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, कौन सी वर्ब दी हुई है, सेकेंड फॉर्म, वॉज वर लगाएंगे, मैच के लिए आ जाएगा वॉज कंप्लीट। थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, वोन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वोन ही होती है। और लास्ट एंड फाइनल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना, बाई हिम। तो इट्स वेरी सिंपल। अब एक जैसे कि डिड नॉट वाला यूज कर लेते हैं, पहला स्टेप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, तो हर वर्क। उसके बाद सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब ऐड करने का, डिड नॉट दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, वाज वर्क प्लस नॉट, तो हर वर्क के लिए क्या आएगा, वाज नॉट। थर्ड रूल, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल, शी का ऑब्जेक्ट तो बाई हर। तो इस तरह से हम अगर इस हेल्पिंग वर्ब की इस चार्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इस टेबल को सिर्फ प्रिपेयर कर लें, तो एक्टिव पैसिव का टॉपिक एक तरह से मान लीजिए कंप्लीट हो गया। तो पहले हम एक बार रूल्स लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक और अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे और इन सारे रूल्स को एग्जांपल्स में और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर आपके जितने भी रूल्स हैं वो टोटल एक्टिव से पैसिव वॉइस के कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना, ये स्लॉट्स में अलग अलग है। बस ये टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक्टिव पैसिव कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद एक एक्सरसाइज करते हैं और इन सारे रूल्स को प्रैक्टिस करते हैं। सो ये हैं कुछ एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स जिन्हें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
वही फोर स्टेप्स यूज़ करनी है। फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, सेकंड स्टेप हेल्पिंग ऑफ ऐड करना, इस टेबल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म यूज़ करना, और फोर्थ और आखिरी स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना सही प्रीपोजिशन लगा के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, रेनू मेक्स पेंटिंग्स। ऑब्जेक्ट क्या है? पेंटिंग्स। इसको सब्जेक्ट की जगह ले आइए। सेकंड स्टेप हेल्पिंग वर्ब ऐड करना, कौन सी वर्ब दी हुई है यहाँ पे? एस और ईएस, यानी फिफ्थ फॉर्म दी हुई है, तो हम इज आर एम का यूज कर लेंगे। पेंटिंग्स के लिए क्या आएगा? आर। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, मेक्स की या मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। और लास्ट स्टेप सब्जेक्ट को एजेंट बनाना है। पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो वो एजेंट कहलाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे रेणु, और ये यहाँ पे एजेंट बन गया। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक फास्ट फूड। पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, फास्ट फूड। सेकेंड स्टेप वर्ब क्या दी हुई है? डोंट लाइक। यहाँ पे सिर्फ डोंट को देखिए आप, तो जब डोंट दिया हुआ हो तो इज आर एम प्लस नॉट यूज करेंगे, फास्ट फूड के लिए आएगा इज नॉट। उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, और लास्ट स्टेप आई का बाई मी। थर्ड सेंटेंस, अनिल प्लान्ड अ ट्रिप। ऑब्जेक्ट अ ट्रिप, इसको इधर ले आए, अ ट्रिप। कौन सी फॉर्म दी हुई है यहाँ पे? सेकंड स्टेप क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ऐड करना। यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी हुई है? प्लान्ड, यानी सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो वाज वर्ब का यूज कर लेंगे, अ ट्रिप के साथ वाज, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लान्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लान्ड ही होता है, प्लान्ड। लास्ट स्टेप अनिल को एजेंट बना देंगे, बाई अनिल। ओके, नेक्स्ट, माया डिड नॉट चूज दिस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ये फ्रेज दिस सब्जेक्ट, इसको इधर ले आएंगे, दिस सब्जेक्ट। कौन सी वर्ब दी हुई है? डिड नॉट, तो डिड नॉट हो तो क्या करेंगे? वाज वर्ब प्लस नॉट यूज करेंगे, तो दिस सब्जेक्ट के लिए आएगा वाज नॉट। अब नेक्स्ट, थर्ड स्टेप थर्ड फॉर्म, चूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? चूजन, और उसके बाद में लास्ट माया का एजेंट, बाई माया। नेक्स्ट, They were not laughing at him. Object क्या है? Him. इसको इधर ले आएंगे, he. उसके बाद में were not laughing. कौन सा tense है? Past continuous. यहाँ देखिए was were plus ing. तो not होगा तो बीच में not आ जाएगा. तो was were plus not plus ing दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर was were plus being जोड़ देंगे. तो he के साथ आएगा was. यहाँ पे were था, लेकिन यहाँ पे he है, singular है, इसलिए was. नोट का नोट रह जाएगा, फिर लाफिंग थोड़ी आएगा, जोड़ना क्या है, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ये जोड़ने वाली बात भूलिएगा मत, वाज वर्ब में बीइंग जोड़ना है, इज आर एम दिया हुआ हो तो इज आर एम में बीइंग जोड़ना होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग, ही वाज नॉट बीइंग। अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एन जी फॉर्म दी हुई है ना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? लाफ्ट, लाफ्ट। अब जो बच जाए, भले वो प्रीपोजिशन हो, एडवर्ब हो, या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, उसको एज इट इज रख देते हैं एट, और उसके बाद में दे को एजेंट बना देंगे, तो दे का क्या हो जाएगा? बाई देम। ये प्रीपोजिशंस जो भी ऐड की हुई होती हैं फ्रेजल वर्ब्स में, एज इट इज साथ रहती हैं, इनको हटाते नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद में आई हैव ऑलरेडी, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, चलिए आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई लेसन। ऑब्जेक्ट क्या है? माई लेसन, इधर ले आएंगे माई लेसन। कौन सा टेंस, कौन सी वर्ब दी हुई है? हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो हैज हैव में से ही कुछ यूज करके बीन जोड़ देना है। माई लेसन के लिए क्या आएगा? हैज, साथ में क्या जोड़ना है? बीन, लेकिन जो ऑलरेडी है वो एज इट इज उसी जगह रहेगा, ऑलरेडी बीन, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही, थर्ड फॉर्म ही दी हुई है, प्रिपेयर्ड, और लास्ट एंड फाइनल आई का बाई मी। नेक्स्ट, वी शॉल हेल्प हिम, तो ऑब्जेक्ट है हिम, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ही। फिर देखिए ध्यान से,
शैल और विल में वैसे तो ये मॉडल में कवर हो जाता है, शैल और विल की मॉडल दिया हुआ हो तो वही मॉडल रख के बी जोड़ दो। शैल और विल में मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, शैल और विल में इतना ध्यान रखना है कि भाई वी के साथ आई के साथ तो शैल आता है, लेकिन उसके अलावा थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस के साथ हमेशा विल आता है। तो शैल का यहाँ पर हमें करना पड़ेगा विल, उसके बाद बी जोड़ देंगे और हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, और वी का एजेंट बना देंगे बाई अस। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा शैल विल में हमें ये चेंज करना है, बाकी कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, जितने भी मॉडल्स हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। जैसे कि ये देखिए, यू शुड हैव डन योर वर्क, तो हमें क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये फ्रेज है योर वर्क, अकेला वर्क नहीं, योर वर्क साथ में है, यहाँ पे आ जाएगा योर वर्क। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, अकेला मॉडल दिया हुआ है क्या, नहीं, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है। ठीक है ना, ये परफेक्ट फॉर्म होती है, प्लस थर्ड फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दी हुई है। तो हमें क्या करना है, मॉडल प्लस हैव को एज इट इज़ रख देना है और बीन जोड़ देना है। तो शुड हैव बीन और उसके बाद में थर्ड फॉर्म, डन है तो डन ही रह जाएगा, थर्ड फॉर्म है थर्ड फॉर्म रह जाएगी, लास्ट में बचा यू, इसको एजेंट बना देंगे बाई यू। अंडरस्टूड? चलिए लास्ट एंड फाइनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर टू स्टार्ट अ बिजनेस, ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस, तो यहां पर हम लिखेंगे अ बिजनेस। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इज आर एम में से कुछ दिया हुआ है, लेकिन क्या साथ में आई एन जी दिया हुआ है? यहाँ पर कंफ्यूज ये हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पर ये रूल अप्लाई कर देते हैं। ध्यान से देखिए, इज आर एम प्लस आई एन जी हो तब हम इज आर एम प्लस बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इज आर एम अकेला दिया हुआ है, ये बी फॉर्म है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इसके आगे जो इन्फिनिटिव दिया हुआ है उस इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनेगा, यहाँ पर ये रूल अप्लाई होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो बी फॉर्म दी हुई है उसी बी फॉर्म को पहले लिख देंगे, इज आर एम में से ही कोई एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए। अब बिजनेस के लिए क्या आएगा, इज, तो हमने इसी बी फॉर्म को इसी बी फॉर्म में रख दिया। अब पैसिव वॉइस किसका बनेगा, टू स्टार्ट का, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं, इसका पैसिव वॉइस होता है टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो टू स्टार्ट का क्या हो जाएगा, टू बी स्टार्टेड। अंडरस्टूड? तो अ बिजनेस इज टू बी स्टार्टेड, और लास्ट में वी का उधर एजेंट बना देंगे बाई अस। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मैं थोड़े से और दे देता हूं। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इन्फिनिटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से बाकियों से अलग होते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस, शी वॉज टू कट द वायर, पहला रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना, द वायर। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे तो वाज अकेला दिया हुआ है, वाज के साथ आई एन जी नहीं दिया हुआ, अगर वाज के साथ आई एन जी होता तो हम ये रूल अप्लाई करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है ना, तो ये बी फॉर्म अकेली है इसलिए इसको हम एज इट इज़ रख देंगे, बी फॉर्म को बी फॉर्म में ही, वाज का वाज, उसके बाद में दिया हुआ है इन्फिनिटिव, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे टू बी, और कट की थर्ड फॉर्म कट ही रह जाती है, और उसके बाद में शी का बाई हर। ठीक है, उसके बाद में मयंक हैज़ टू टेक मेडिसिंस, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिंस, इसको सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे मेडिसिंस। अब आगे देखिए हैज़, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ हैज़ या हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अगर हैज़ या हैव या हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तब हम बीन जोड़ेंगे, लेकिन क्या यहाँ पे हैज़ के बाद में थर्ड फॉर्म दी हुई है, नहीं दी हुई ना, आगे क्या दिया हुआ है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव है, तो हमें इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, ये हैज़ है ना, तो हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ पहले रख देंगे, मेडिसिंस बहुवचन है प्लूरल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले हैव, हमने हैज़ का हैव कर दिया, टेंस तो वही रहा, चेंज तो कुछ हुआ नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमेशा सही होना चाहिए, तो मेडिसिंस हैव, फिर आगे टू टेक का पैसिव वॉइस बना दीजिए, टू बी टेकन, और आगे सब्जेक्ट का एजेंट बना देंगे बाई
मयंक. नेक्स्ट, प्रिया इज टू डिलीवर अ स्पीच. ऑब्जेक्ट है अ स्पीच, इधर आ जाएगा अ स्पीच. अब देखिए, इज आर एम क्या प्लस आई एन जी दिया हुआ है? अगर होता तो हम आई ए बींग लगा देते और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आई एन जी दिया हुआ ही नहीं है, तो क्या करेंगे, इस इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बना देंगे और इस इज आर एम में से जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो यहाँ लिख देंगे. अ स्पीच सिंगुलर ही है तो इज का इज रह जाएगा. यहाँ पे हैज़ का हैव क्यों हुआ? क्योंकि प्लूरल हो गया. यहाँ पे सेम ही है, सिंगुलर तो इज. फिर टू बी और डिलीवर का क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड. फिर आगे प्रिया को एजेंट बना देंगे बाई प्रिया. ठीक है, दे हैड टू कैंसल द मीटिंग. तो ऑब्जेक्ट क्या है? द मीटिंग. द मीटिंग, उसके बाद में सेकेंड रूल हैड. ध्यान से देखिए, क्या हैड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है? अगर होता तो बीन जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर केवल हैड दिया हुआ है और हैड का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है, इसलिए हैड का हैड ही रह जाएगा. हैड, फिर टू और कैंसिल का टू बी कैंसल्ड बाई और दे है तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म देम. तो इस तरह से अगर हमें ये एक टेबल प्रिपेयर हो जाए, और बहुत इजी है प्रिपेयर करना, एक दो बार पढ़ने से ही प्रिपेयर हो जाएगी और लॉजिक भी है. देखिए, प्रेजेंट सिंपल हो तो इज आर एम यूज़ करना है, पास्ट सिंपल हो तो वाज वर यूज़ करना है. अगर कोई भी आई एन जी फॉर्म इज आर एम वाज वर के साथ हो तो इज आर एम वाज वर ही यूज़ करना है, साथ में बींग जोड़ देना है. परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, यानी हैज़ हैव हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैज़ हैव हैड में से कुछ रख के बीन जोड़ देना है. उसके बाद में मॉडल हो तो मॉडल प्लस बी, मॉडल के साथ हैव हो तो मॉडल के साथ हैव एज इट इज़ रख के प्लस बीन जोड़ दो, और उसके बाद में ये इन्फिनिटिव हो तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म. तो एक तरह से अगर ये टेबल आपके याद हैं तो एक्टिव पैसिव मान लीजिए आपके प्रिपेयर हो गए. इस पे बेस्ड आप जितने चाहें उतने एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा. अब इसके अलावा एक्टिव पैसिव में बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना, कभी कभी हमें एजेंट यानी जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट हमें नहीं लिखना होता है, वो कब होता है. उसके अलावा जैसे कि लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे. आज इस वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको अच्छे से समझ के और जो रूल्स बताए हैं उनको एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, आने वाले वीडियोज़ में जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको ईजिली चुटकियों में समझ में आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई क्वायरीज हो डेफिनेटली पूछिएगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.